मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके 17 साल के शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क यहाँ टूटी हुई है, क्या लोगों ने बताई वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। पिछले 9 महीने में शायद ही कोई ऐसा गांव और पंचायत में गया हूं जहां पर लोगों ने ये न बताया हो कि शिक्षा व्यवस्था यहां पूरी तरीके से ध्वस्त है। मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके 17 साल के शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क यहां टूटी हुई है, कल होकर एक अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क बन सकती है, लेकिन अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो जो दो पीढ़ियां इन ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकले अनपढ़ रह गए, अब जीवन भर वो पढ़े लिखे समाज की बराबरी नहीं कर सकते। बिहार में जो शिक्षा की हालत है, कई लोगों को लगता है कि यहां पर शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से ये परेशानी है। ये समस्या का एकमात्र पहलू नहीं है, छोटा सा पहलू है, शिक्षकों की गुणवत्ता एक पहलू है, लेकिन बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, हम लोग का अपना आकलन ये है कि समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में सरकार ने पिछले 5-10 सालों में स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, शिक्षक हैं कि नहीं, इसकी चिंता नहीं की। हर गांव हर पंचायत में विद्यालय खोल दिए गए, जहां नहीं खोले गए वहां विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया गया। पूरा जो शिक्षा व्यवस्था बिहार में है ये उत्क्रमित विद्यालय और नियोजित शिक्षकों के आधार पर चल रहा है, न कहीं नियमित शिक्षक है न नियमित कोई विद्यालय है। जो मध्य विद्यालय था उसी को उच्च विद्यालय बना दिया, जो प्राथमिक था उसको मध्य बना दिया। नतीजा ये हुआ कि जहां पर स्कूलों की बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर शिक्षक है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, पढ़ाई ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर यही हालत है, और सिर्फ ये स्कूली शिक्षा की बात नहीं है, कॉलेज की शिक्षा की भी हालत यहाँ बिहार में वही है। जिन लोगों को भी लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सिर्फ नियोजित शिक्षकों की वजह से खराब है, उनको बिहार में कॉलेज में होने वाली पढ़ाई को ध्यान में देना चाहिए। बिहार के जो कॉलेज हैं वो तो नियोजित शिक्षक नहीं चला रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज, जो भी पहले के यहाँ प्रसिद्ध कॉलेज रहे हैं, किसी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो मेरा 9 महीने का अनुभव यह है कि यहाँ स्कूलों की जो अवधारणा है, स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है।